क्या आपको पता है कि इंडियन आर्मी ऐसे सैल्यूट क्यों करती है और इंडियन नेवी हाथ को नीचे करके सैल्यूट क्यों करती है और तीसरी तरफ इंडियन एयर फोर्स ऐसे सैल्यूट क्यों करती है? तीनों का स्टाइल अलग अलग क्यों होता है? और क्या आपको पता है कि बिहार में एक जगह है जिसका नाम है पाकिस्तान? एंड इफ दिस वॉज नॉट एनफ फॉर यू, देन पाकिस्तान में भी एक जगह है जिसका नाम है बिहार। और क्या आपको पता है कि 1947 के पहले इंडियन फ्लैग का डिजाइन कुछ और ही था? इस वीडियो में आप ऐसे फैक्ट्स को जानोगे कि आपके मुंह से एक ही वर्ड निकलेगा, अनबिलीवेबल। फैक्ट नंबर 35, यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का टोटल पॉपुलेशन अभी 33 करोड़ है और इंडिया में इंटरनेट ही करीब 46 करोड़ लोग यूज करते हैं। मतलब जितना पूरा यूएसए का पॉपुलेशन है उससे ज्यादा तो इंटरनेट यूजर्स है इंडिया में। इन 46 करोड़ में से 10 करोड़ लोग ऑलरेडी टी सीरीज को सब्सक्राइब कर चुके हैं और मुझे 1 करोड़ लोग। फैक्ट नंबर 34, इंडिया वॉज द ओनली सोर्स ऑफ डायमंड्स। मतलब साल 1896 के पहले अगर किसी को डायमंड चाहिए था तो उसे एक ही जगह से मिल सकता है और वो है इंडिया। और ब्रिटिश ने जब भारत पर कब्जा किया था उसके पहले इंडिया वॉज एक्चुअली ए सोने की चिड़िया। इंडिया वॉज द रिचेस्ट कंट्री ऑन द एंटायर प्लेनेट अर्थ। मतलब पूरे धरती का सबसे अमीर देश इंडिया ही था पहले। फैक्ट नंबर 33, उत्तर प्रदेश में एक गाँव था पहले जिसका नाम था शिवनगर, जो की एक नॉर्मल सा गाँव जैसा साउंड करता है, पर उस गांव में ई कॉमर्स कंपनी स्नैपडील ने बहुत सारा हैंडपंप्स लगा दिया जगह जगह में जस्ट एज अ सेवा, जिसके चलते उस गांव में पानी के समस्या से बहुत लोगों को राहत मिली। उसके बाद वहां के लोग इस कंपनी से इतना खुश हो गए कि उस गांव का नाम ही snapdeal.com नगर रख दिया गया। जी हां, उस गांव का ऑफिशियल नेम है snapdeal.com नगर। व्हाट अ फैक्ट मैन। फैक्ट नंबर 32, जितने लोग इंडियन रेलवेज में डेली ट्रेवल करते हैं वो पूरे ऑस्ट्रेलिया के जनसंख्या से भी ज्यादा है। एक दिन में रेल में ट्रेवल लगभग 2,50,00,000 लोग डेली इंडिया में ट्रेन में सफर करते हैं अगर टोटल कैलकुलेट कर ले तो, और ऑस्ट्रेलिया का पॉपुलेशन 2,46,00,000 है। व्हाट। फैक्ट नंबर 31, मुकेश अंबानी जी का घर एंटीलिया इस पूरी धरती का, इस पूरी दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव हाउस है, वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव हाउस, और इसकी कीमत 1 करोड़ नहीं, 10 करोड़ नहीं, 100 करोड़ नहीं, 1,000 करोड़ नहीं, 5,000 करोड़ नहीं, बल्कि 1 बिलियन यानी 6,000 करोड़ रुपए है। फैक्ट नंबर 30, बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स है पर क्या आपको पता है दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट ब्रांड, सबसे ओल्डेस्ट कंपनी इंडिया का ही है, च्यवनप्राश। च्यवनप्राश इस दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट ब्रांड है जो आज भी एक्टिव है। पटना बिहार के 23 साल के मिथिलेश कुमार प्रसाद जब अपना हेलीकॉप्टर पायलट बनने का सपना पूरा नहीं कर पाए किसी कारण से, तो वो अपने टाटा नैनो को ही हेलीकॉप्टर में बदल दिए। इसमें हेलीकॉप्टर के सारे कॉम्पोनेंट्स हैं जैसे इंजन, रोटेटर, ये सब। इनका ये कहना है कि कई टेक्निकल एस्पेक्ट्स को इम्प्रूव करने के बाद इसे एक्चुअली में उड़ाया जा सके। इंडिया की ये सबसे यूनिक कस्टम व्हीकल्स में से एक है। फैक्ट नंबर 28, इंडिया के अगर सारे रोड्स को, सारे रोड नेटवर्क को एक जगह पर एक लाइन पर ला दें, तो वो पूरी धरती को 117 बार घेर देगी। और रैंक के मामले में यूएसए के बाद रोड्स के मामले में इंडिया रैंक 2 पर आता है। फैक्ट नंबर 27, 90% से भी ज्यादा कंप्यूटर्स में पेंटियम चिप यूज होता है, 90% से भी ज्यादा डिवाइसेस में, और इसे इंडिया के विनोद धाम ने ही बनाया था। फैक्ट नंबर 26, स्नेक लैडर यानी सांप सीढ़ी का जो गेम है वो इंडिया में ही शुरू हुई थी और धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गई। फैक्ट नंबर 25, एक ही रॉकेट से मल्टीपल सैटेलाइट्स लॉन्च हो सकते हैं स्पेस में, तो एक ही रॉकेट से रशिया ने 37 सैटेलाइट्स लॉन्च किया था 2014 में, जो कि एक बहुत बड़ी बात है, पर 15 फरवरी 2017 को इसरो ने PSLV C-37 को लॉन्च किया और इस रॉकेट ने 101 इंटरनेशनल सैटेलाइट्स को एक साथ लॉन्च किया और रशिया का रिकॉर्ड टूट गया। फैक्ट नंबर 24, जम्मू एंड कश्मीर में मौजूद चेनाब ब्रिज इस दुनिया का सबसे हाईएस्ट यानी सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। नीचे मौजूद चेनाब रिवर से करीब 1,178 फीट ऊपर यह ब्रिज बना हुआ है, जो कि एक रिकॉर्ड है। सोचो कि जब इसके ऊपर से ट्रेन गुजरता होगा तो कितना मजा आता होगा। फैक्ट नंबर 23, इस दुनिया का सबसे पुराना शहर, सबसे ओल्डेस्ट सिटी जो आज भी एक्टिव है, वो है वाराणसी का पवित्र शहर। ये शहर एक्चुअली में 5,000 साल से भी ज्यादा पुराना है और आज भी ये शहर अच्छी खासी पॉपुलेटेड है। मतलब सबसे ओल्डेस्ट एक्टिव शहर का भी रिकॉर्ड अपने इंडिया को ही जाता है। फैक्ट नंबर 22, बिलियनियर्स यानी अरबपति लोगों के मामले में इंडिया
नंबर 3 पे आता है। यूएसए में 585 बिलियनर्स है, चाइना में 476 बिलियनर्स है और इंडिया में 131 बिलियनर्स है। इतने बड़े लिस्ट में इंडिया 3rd नंबर पे आता है, इट्स एक्चुअली अ ग्रेट थिंग। फैक्ट नंबर 21, आयरन पिलर ऑफ दिल्ली को एक अजूबा माना जाता है और इसमें कोई भी स्पेशल कोटिंग मौजूद नहीं है और इसमें आज तक थोड़ा सा भी जंग नहीं लगा है, यानी रस्टिंग नहीं हुई है। और साइंटिस्ट्स को आज तक पता नहीं चला कि एंशिएंट इंडियंस ये कैसे क्रिएट कर पाए ऐसा मेटल जिसे आज के आधुनिक विज्ञान से भी क्रिएट नहीं किया जा सकता। फैक्ट नंबर 20, इंडिया का पहला रॉकेट एक साइकिल में कैरी किया गया था और पहला स्पेस सैटेलाइट एक ब्लॉक कार्ट में कैरी किया गया था। ऐसी हम्बल शुरुआत के साथ इंडिया का इसरो आज कहाँ पे है वो तो पूरी दुनिया देख रही है। एक साथ 101 सैटेलाइट्स को छोड़ना और एक चीज जो इसरो ने करके दिखाया है जो कि पूरे धरती के किसी भी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ने आज तक नहीं किया है, वो है रीचिंग मार्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट, यानी पहली कोशिश में ही मार्स पर एक्चुअली में लैंड कर जाना। ये अपने इसरो ने करके दिखाया, वो भी दुनिया के सबसे इफिशियंट बजट में। फैक्ट नंबर 19, इंडिया का फिल्म इंडस्ट्री इस दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री में 350 करोड़ टिकट्स हर साल बेचे जाते हैं और हॉलीवुड सिर्फ 260 ही करोड़ बेच पाता है। फैक्ट नंबर 18, अमेरिका, रूस और चाइना के बाद सबसे पावरफुल मिलिट्रीज के लिस्ट में इंडिया ही आता है 4th नंबर पे। पूरी दुनिया के 195 कंट्रीज के लिस्ट में इंडिया 4th नंबर पे है मिलिट्री के पावर के मामले में। दैट्स वंडरफुल, और वो भी वक्त दूर नहीं जब इंडिया टॉप पे होगा। फैक्ट नंबर 17, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के हिसाब से अमृतसर का गोल्डन टेंपल इस पूरे दुनिया का, पूरे धरती का सबसे ज्यादा विजिट करने वाला जगह है। 1 लाख से भी ज्यादा लोग हर 24 घंटे में गोल्डन टेंपल को विजिट करते हैं। फैक्ट नंबर 16, हेलीपैड उस जगह को बोलते हैं जहाँ पर हेलीकॉप्टर लैंड करता है, वो एच वाला। तो दुनिया का सबसे ऊंचा हेलीपैड सियाचिन ग्लेशियर में ही मौजूद है। लैंड से 16,000 फीट ऊपर यानी सतह से 5 किलोमीटर ऊपर मौजूद है ये हेलीपैड, और सबसे ऊंचा हेलीपैड का रिकॉर्ड भी इंडिया को ही जाता है। फैक्ट नंबर 15, रविंद्रनाथ टैगोर जी जो कि इंडिया का नेशनल एंथम जनगण मन लिखे थे, वो बांग्लादेशी नेशनल एंथम आमार सोनार बांग्ला भी लिखे थे। दैट्स अ फैक्ट। फैक्ट नंबर 14, आम और केले के प्रोडक्शन के मामले में इंडिया रैंक 1 पर आता है और मिल्क यानी दूध के प्रोडक्शन के मामले में इंडिया रैंक 2 पर आता है। फैक्ट नंबर 13, गंगा नदी में एक यूनिक टाइप की शार्क रहती है, क्या आपको पता है? जी हाँ, ये यूनिक टाइप की शार्क पूरी दुनिया में और कहीं नहीं पाई जाती है, सिर्फ गंगा नदी में ही एक्सक्लूसिवली पाई जाती है। फैक्ट नंबर 12, इस पूरी दुनिया का सबसे पहला यूनिवर्सिटी इंडिया में ही बना था, नालंदा यूनिवर्सिटी। फैक्ट नंबर 11, जीमेल के सबसे पॉपुलर ईमेल सर्विस हॉटमेल को इंडिया के समीर भाटिया ने ही बनाया था। फैक्ट नंबर 10, अमेरिका में मौजूद जितने भी बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं उसमें से 38% इंडिया से ही होते हैं। फैक्ट नंबर 9, इंडिया की फीमेल्स पूरे दुनिया के सोना का 11% अपने पास रखती है, मतलब इंडिया में मौजूद जितने भी लड़कियां हैं सबके सोने को मिला दें तो वो पूरे दुनिया का 11% होगा। यूएसए, जर्मनी, स्विट्जरलैंड तीनों के पूरे गोल्ड रिजर्व को भी मिला देना, उससे ज्यादा सोना तो हमारी ये लेडीज रखती है। फैक्ट नंबर 8, आपने ये नोटिस किया होगा कि इंडिया की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों अलग अलग टाइप से सैल्यूट करती है। इंडिया की आर्मी नॉर्मल तरह से सैल्यूट करती है, नेवी हाथ को नीचे करके सैल्यूट करती है और इंडियन एयरफोर्स 45 डिग्री के एंगल पर सैल्यूट करता है। इंडियन आर्मी की ये नॉर्मल सैल्यूट को देखकर हम लोग ये बोल सकते हैं कि हाँ, ये नॉर्मल सैल्यूट है। इंडियन नेवी जो ये हाथ नीचे करके सैल्यूट करती है वो इसलिए ताकि वो अपने पाल्म को छुपा पाए, क्योंकि शिप में काम करते करते बहुतों के हाथों में ऑयल और ग्रीस लग जाता है और इसी को हाइड करने के लिए ये सैल्यूट स्टाइल रखा गया है। और जो इंडियन एयरफोर्स करती है उनकी स्टाइल कुछ ऐसी होती है, वो आसमान के तरफ पॉइंट करके सैल्यूट करती है और इससे वो आसमान को रेस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि वो अपनी जिंदगी का ज्यादातर समय आसमान में ही देश की रक्षा करते हुए बिताते हैं। फैक्ट नंबर 7, इंडिया के पद्मनाभ स्वामी टेम्पल में 6 वॉल्ट्स मौजूद हैं और इस एंशियंट टेम्पल के 5 वॉल्ट्स और लगभग 500 साल बाद 2011 में इंडियन गवर्नमेंट ने इसके 5 वॉल्ट्स को खोल दिया और $100 बिलियन का सोना और ट्रेजर निकला, पर लास्ट वॉल्ट आज तक नहीं खुला है। और ये माना जाता है कि अगर लास्ट वॉल्ट खुल गया तो इंडिया के पास और खरबों रुपए आ सकता है।
कहा जाता है कि इसे सिर्फ एक मंत्र से खोला जा सकता है, जिस मंत्र के बारे में कोई नहीं जानता। ये वॉल्ट आज भी अभी तक बंद पड़ा है। वन ऑफ द मोस्ट यूनिक मिस्ट्रीज ऑन द प्लैनेट अर्थ, द सिक्स्थ वॉल्ट ऑफ पद्मनाभस्वामी टेम्पल। फैक्ट नंबर 6, आपने तो सुना ही होगा कि कुंभ मेला इस पूरी धरती का सबसे बड़ा मेला है और इसे वर्ल्ड का सबसे बड़ा गैदरिंग माना जाता है, मतलब एक साथ बहुत सारे लोग। 2013 में तो एक ही दिन में 30 मिलियन लोग एक ही जगह पर जमा हो गए थे, मतलब कि 3 करोड़ लोग एक ही जगह पर। क्या आपको पता है कि अगर ये 3 करोड़ लोग एक ही साथ जंप कर गए ना, तो वो धरती के रोटेशन को इफेक्ट कर देगा। कुंभ मेला इतना ह्यूज है कि उसका क्राउड स्पेस सैटेलाइट से भी दिखता है। ये देखो उसकी रियल पिक्चर, इतना बड़ा क्राउड। फैक्ट नंबर 5, इस पूरी दुनिया का सबसे हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड इंडिया में ही मौजूद है। 2444 मीटर के ऊंचाई पर चैल क्रिकेट ग्राउंड इस पूरे दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड है और ये हिमाचल प्रदेश के चैल में मौजूद है। फैक्ट नंबर 4, स्विट्जरलैंड में साइंस डे सेलिब्रेट किया जाता है और आपको ये जान के खुशी होगी कि जब 2006 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी जब स्विट्जरलैंड में विजिट किए थे, जिस दिन उन्होंने कदम रखा था वहाँ, मई 26 को उसी दिन वहाँ पर साइंस डे घोषित कर दिया गया। दैट शोज रेस्पेक्ट एंड हिज इन्फ्लुएंस। फैक्ट नंबर 3, अमेरिका में सबसे ज्यादा इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं, नॉर्मल सी बात है। ऑलमोस्ट 28 करोड़ 16 लाख लोग वहाँ इंग्लिश बोलते हैं, पर इंग्लिश बोलने के मामले में जो दूसरा कंट्री है वो है अपना इंडिया। इंडिया में करीब 12 करोड़ 50 लाख लोग इंग्लिश बोलते हैं। फैक्ट नंबर 2, बिहार के पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है जिसका नाम है पाकिस्तान, और पाकिस्तान में भी एक जगह है जिसका नाम है बिहार। फैक्ट नंबर 1 के पहले, अगर आपने पहले से ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन किया हुआ है तो थैंक यू वेरी मच, पर अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और सबसे इम्पोर्टेंट बेल आइकन को भी ऑन कर देना ताकि इस चैनल के नए वीडियोस की नोटिफिकेशन अपलोड होते ही आपको तुरंत मिल जाए, और ये बिल्कुल फ्री है। फैक्ट नंबर 1, इंडिया का फ्लैग ये है, हम सबको पता है, पर 1947 में इंडिया आजाद होने के पहले इंडियन फ्लैग कुछ और ही था। 1907 में इंडिया का फ्लैग कुछ ऐसा दिखता था, ऊपर 8 कमल फूल है और बीच में वंदे मातरम लिखा गया है। 1921 में ये फ्लैग था इंडिया का, इसे गांधीज फ्लैग भी कहते हैं। 1931 में द स्वराज फ्लैग आया, डिजाइन को थोड़ा बदल दिया गया था, और आखिर में 1947 में जब देश आजाद हुआ तब ये फ्लैग आया, हमारा प्यारा तिरंगा। तिरंगे में 3 कलर्स हैं, सैफ्रॉन यानी केसरी, व्हाइट और ग्रीन। इन तीनों का भी एक्चुअली में मतलब होता है, केसरी शक्ति और हिम्मत को दर्शाता है, व्हाइट शांति और सत्य को दर्शाता है, और ग्रीन फर्टिलिटी एग्रीकल्चर के मामले में और देश के विकास को दर्शाता है, और बीच में धर्म चक्र होता है जिसमें 24 स्पोक्स होते हैं, और ये 24 स्पोक्स 24 घंटों को दर्शाते हैं, और ये दर्शाता है कि 24 घंटे इंडिया आगे बढ़ रहा है। और साथ ही साथ जो बहुत लोगों को नहीं पता है वो ये कि ये 24 स्पोक्स एक आदर्श इंसान के 24 क्वालिटीज को दर्शाता है जो कि हर एक इंडियन में होनी चाहिए, और ये जो आप लिस्ट देख रहे हो यही है वो 24 क्वालिटीज। लव, करेज, पेशेंस, पीसफुलनेस, मैग्निमिटी, गुडनेस, फेथफुलनेस, जेंटलनेस, सेल्फलेसनेस, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ सैक्रिफाइस, ट्रूथफुलनेस, राइटियसनेस, जस्टिस, मर्सी, ग्रेसफुलनेस, ह्यूमिलिटी, इम्पैथी, सिंपैथी, स्पिरिचुअल नॉलेज, मॉरल वैल्यूज, स्पिरिचुअल विजडम, द फियर ऑफ गॉड, फेथ और बिलीफ और होप। फैक्टिक्स अल्टीमेट ब्रेन बूस्टर ऐप को परचेज जरूर करना फ्रेंड्स, क्योंकि इस ऐप के बाइनुरल म्यूजिक आपके दिमाग को गजब तरीके से इम्प्रूव करेगी। इसके अंदर मौजूद बाइनुरल बीट्स साइंटिफिकली प्रूवन है और ये आपके दिमाग में पॉजिटिव चेंजेस लाती है। इस ऐप की ऑफिशियल लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, किसी और सोर्स पर ट्रस्ट मत करना, ऑफिशियल लिंक ओनली इन डिस्क्रिप्शन। स्टूडेंट्स इस वाली म्यूजिक को सुनकर अपने स्टडी को इम्प्रूव कर सकते हैं। जीनियस फ्रीक्वेंसी से इंटेलिजेंस इम्प्रूव होगी, मेमोरी म्यूजिक आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी को इम्प्रूव करेगी, और ऐसे कई तरह के म्यूजिक आपको इस ऐप में मिलेंगे। किसी भी ईयरफोन या हेडफोन से डेली 10 मिनट
मोबाइल के 70% वॉल्यूम में किसी भी म्यूजिक को 10 मिनट मिनिमम सुनना, जो भी चीज को आप इम्प्रूव करना चाहते हो उसके हिसाब से, और आप कुछ ही दिनों में अपने अंदर बदलाव देखोगे। जल्दी से मौका का फायदा उठा लो फ्रेंड्स, क्योंकि अभी ये ऐप सिर्फ और सिर्फ ₹199 में प्ले स्टोर में मिल रहा है। गूगल प्ले में पेमेंट करने के बाद ऐप ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा, या फिर पेमेंट में दिक्कत आ रही है तो पेटीएम से गूगल प्ले रिचार्ज कोड को खरीद कर उसको रिडीम करके आप प्ले स्टोर में उससे परचेस कर सकते हो। ऐप डाउनलोड होने के बाद 5 स्टार रेटिंग देना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।